दोस्तों, तो उम्मीद है आप सभी लोग मजे में होंगे। हम ऑरोविल में लगभग एक महीने के लिए थे और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही मस्त रहा। मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको ऑरोविल के बारे में बताना चाहता हूँ कि भाई कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई और आज ये क्या है। ऑरोविल जो है एक सपना था ऑरोबिंदो जी का, जो कि एक इंडियन सेज थे। ऑरोविल की शुरुआत की थी मीरा अल्फासा जी ने। इस विजन को और ड्रीम को रियलिटी बनाने का काम मीरा अल्फासा जी को दिया गया था। एक नई दुनिया, एक नई इंसानियत, एक नई सोसाइटी और एक नई कॉन्शियसनेस की एम्बोडीमेंट का काम मीरा अल्फासा जी ने अपने हाथ में लिया था। बाय द वेरी नेचर ऑफ थिंग्स इट इज अ कलेक्टिव आइडियल दैट कॉल्स फॉर अ कलेक्टिव एफर्ट सो दैट इट मे बी रियलाइज्ड इन टर्म ऑफ एन इंटीजरल ह्यूमन परफेक्शन सेड बाय द मदर। ऑरोविल की शुरुआत 1968 में हुई थी और इनॉगरेशन के दिन 124 अलग अलग देशों से 5000 लोगों ने ज्वाइन किया था। ऑरोविल लगभग 5 किलोमीटर एरिया में फैली एक सिटी है जिसमें इस वक्त लगभग 3300 लोग रहते हैं। जब ये सिटी पूरी हो जाएगी तब एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है 50,000। तो ये जो पॉपुलेशन मैंने बताई है वो गैस को इंक्लूड करके नहीं है। ये 3300 लोग हैं, वो यहाँ के रेजिडेंट हैं जिनको आप ऑरोविलियन बोलते हैं। ये कुछ बातें थी ऑरोविल के बारे में। तो हमने पहली बार ऑरोविल के बारे में नेपाल में सुना था। वहाँ हम कुछ दोस्तों से मिले थे जो कि ऑरोविल में लंबे टाइम तक रहे थे, गगन, योहाना एंड एना। जैसा उन्होंने ऑरोविल के बारे में बताया था कि ये कम्युनिटी लिविंग है, यहाँ पर अलग अलग लोगों के साथ में रहते हो, मतलब वॉलंटियर करते हो उनके साथ में, पूरी दुनिया से आके लोग यहाँ पे रहते हैं और हजारों अलग अलग चीजें हैं जो आप वहाँ पे कर सकते हो, मेडिटेशन, योगा, मार्शल आर्ट, मतलब लगभग सारी क्यूजीन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये सुनने के बाद में मेरा मन था कि मैं एक दिन तो ऑरोविल जाना ही है। फिर कुछ लंबे टाइम तक मौका नहीं लगा, पर रिसेंटली हम चेन्नई में थे सबीना के वीजा के लिए। चेन्नई में था तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि क्यों ना ऑरोविल जाया जाए जो कि यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है। तो ऑरोविल इजीली एक्सेसिबल है, आप पोंडेचेरी नियरेस्ट एयरपोर्ट है, चेन्नई से आप टैक्सी ले सकते हो। तो हमने टैक्सी की चेन्नई से, जिसमें हमने 3000 रुपए दिए और लगभग 3 घंटे में हम ऑरोविल पहुंच गए थे। पहली चीज जो आप नोटिस करोगे ऑरोविल में पहुंचने पर वो होगी वहां पे जो पेड़ पौधे हैं या फ्लावर्स हैं, बहुत सारी जगह सिर्फ फॉरेस्ट के लिए वहां पे छोड़ी हुई थी जो कि बहुत ही मस्त चीज थी। और पहली जगह जहां पर हम रहे उसका जगह का नाम था अबंडेंस गेस्ट हाउस। तो ये गेस्ट हाउस बहुत ही अच्छा था, जो पेड़ पौधे थे वो सजाए हुए थे अलग अलग चीजों से, गणेश जी की मूर्ति वहां पे रखी हुई थी स्टोन की, पाथवेज हैं वो स्टोन से बनाए हुए थे, अच्छा गार्डन था वहां पे और जो ओनर था वो खुद कभी कभी ब्रेकफास्ट बनाता था जो कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट होता था। तो हम 3 दिन के लिए अबंडेंस गेस्ट हाउस में रुके जहां पर हम 3500 रुपए पर दिन दे रहे थे। दूसरी जगह जहां हम रुके उसका नाम था सरंगना गेस्ट हाउस, जो कि बहुत ही अलग तरीके की जगह थी, ऐसी जगह में हम पहले कभी नहीं रुके। उसको देखो तो ऐसा लगता है मतलब जैसे पुराने दौर में जैसे लोग रहते थे, 50-60 साल पुराने, वैसे घर छोटे छोटे वैसे बने हुए थे और वहां पे जो पेड़ पौधे थे वो बहुत ही डेंस और बहुत ही पुराने पेड़ पौधे थे वहां पे। इस जगह का रहने का अलग ही मजा था, इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था और यहाँ हम दे रहे थे 2500 रुपए। यहाँ पर हमने पैसे तो सिर्फ 2500 ही दिए थे, पर यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा जिम भी था, स्विमिंग पूल भी था, योगा हॉल भी था, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। अगली जगह जहां हम रुके थे वो थी सेंटर गेस्ट हाउस और मतलब अच्छी जगह पे फैला हुआ है ये, तो वहां पर हम अलग कुछ और दिन पीछे वहां पे रहे। बहुत ही स्पेशियस और अच्छी जगह है, जो ये सामने बिल्डिंग है यहां पे लॉन्ड्री होती थी और ये एक खूबसूरत स्टैचू है यहां पे। और फिर आगे चल के ये आपको बाइसिकल भी मिलती है जो कि प्राइस में इंक्लूडेड है। तो हमने 1900 रुपए दिए जिसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड था, लॉन्ड्री और बाइसिकल भी इंक्लूडेड थी। और मेरे को सबसे ज्यादा पसंद जो चीज आई इस गेस्ट हाउस में वो थी ये पुराना ट्री जो कि 100 साल तो कम से कम पुराना है। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो भी जाके जड़ बन गई हैं, तो इतना पुराना और इतना बड़ा ट्री था ये, बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया था इसके साथ। चौथी जगह जहां पर हम रुके उस जगह का नाम था सेरेंडिपिटी गेस्ट हाउस। ये जगह स्पेशल बन गई 3 मेन कारणों से। पहली जो कारण थी, जो लोग वहां पे काम कर रहे थे और अलग अलग जगह से लोग वहां पे थे, बहुत ही अच्छे लोगों से वहां पे मुलाकात हुई। दूसरी मस्त चीज थी वहां पे कम्युनिटी किचन जहां पे हम एक साथ खाना बनाते थे, एक साथ खाना खाते थे। और तीसरी चीज जो पर्सनली मेरे लिए सबसे अच्छी थी वो थी वहां पे
योगा हॉल जिसको जॉय हॉल भी बोला करते थे और लिटरली वो जॉय हॉल ही था। मेरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी ईशा योगा प्रैक्टिसेस, और उसके लिए मेरे को अच्छी जगह मिल जाए तो मैं उसको बहुत ही बड़ा लक मानता हूँ, और वो मेरे को यहाँ मिल गई थी। और हर रोज मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की और जो जॉय वहाँ पे आता था प्रैक्टिस करके बस मजा आ जाता था। और ये इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसा ही बना हुआ था जो कि सपोर्टिव होता है मेडिटेशन के लिए। आई वॉज फुलफिल्ड। तो अलग अलग तरीके के अकोमोडेशन थे वहाँ पे, हट्स भी थी, डॉम्स भी थे और कंक्रीट बिल्डिंग्स भी थी, हट्स जो कि सिर्फ वुड से बनी हुई थी। एक और मस्त चीज थी सेरेंडिपिटी के बारे में जो कि वो डिस्काउंट देते थे, अगर आप यंग हैं और बिलो 30 हैं तो वो आपको 10% डिस्काउंट देते थे। एक वीक से ज्यादा रह रहे हैं तो अलग से डिस्काउंट 10% मोर मिलता था, अगर आप मंथ के लिए रह रहे हैं तो और ज्यादा डिस्काउंट मिलता था। तो ये सब कुछ था गेस्ट हाउसेज के बारे में। पर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे करने की क्या क्या चीजें हैं। करने की इतनी सारी चीजें है कि एक मंथ बिल्कुल भी इनफ नहीं है। पर हमने पहली चीज जो कि वो थी बॉटनिकल गार्डन विजिट किया, जो कि हमको इंट्रोड्यूस किया था एना ने। तो हमने अपना लंच बुक किया था बॉटनिकल गार्डन में, जिसके लिए हम फिर वहां पे पहुंचे टाइम पे। वहां पे हमारी मुलाकात हुई मोनिका से, मोनिका जो कि हाफ इटालियन है और हाफ जैपनीज है, और वो एक ओरोविलियन भी है। तो मोनिका ने हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई जापान के बारे में कि जैपनीज पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को डराते थे कि अगर तुमने आखिरी दाना तक राइस का नहीं खाया तो तुम्हारी आईज है ना जो पॉप हो जाएंगी। मोनिका ने भी अंत तक हर दाना खा लिया था। और मोनिका यहाँ पे वॉलंटियर भी किया है बॉटनिकल गार्डन में, तो उसको सब कुछ पता था गार्डन के अंदर, गार्डन और पेड़ पौधों के बारे में और जो भी, और गार्डन बहुत बड़ा है तो उसको पता था कहाँ क्या है। तो हमारा टूर एकदम मस्त गया मोनिका के कारण, सो थैंक्स अ लॉट टू हर। और फिर उसके अंदर एक कैक्टस गार्डन था जिसमें हजारों तरीके के कैक्टस थे, जितने भी आप इमेजिन करते कर सकते वो सब वहां पे थे। तो जितने भी कैक्टस वहां पे थे हजारों और उससे भी ज्यादा, तो मोनिका को हर कैक्टस के बारे में पता था। जिस चीज के बारे में भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता वो तुरंत बताना शुरू कर देती थी। वहां पे हमारी मुलाकात वैशाली से भी हुई जो कि खुद एक यूट्यूबर है, और अगर आपको उसका चैनल चेक करना, वो भी ट्रैवल पे वीडियो बनाती है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सरप्राइजिंगली इस गार्डन में एक मेज भी थी, आप कुछ टाइम के लिए उसमें घूम भी हो सकते हो। तो ओरोविल में आप डांस सीख सकते हो, म्यूजिक सीख सकते हो, मार्शल आर्ट सीख सकते हो, योगा सीख सकते हो, और सिनेमा सीख सकते हो, और कितनी भी जो भी चीज आप इमेजिन कर सकते हो वो सीख सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा था वन मंथ इनफ है नहीं। पर इसके अलावा एक बहुत ही चीज जो सबसे अलग इस जगह को बनाती है वो है आप वॉलंटियर कर सकते हो गेस्ट हाउसेज में या सेंटर की जो एक्टिविटी होती है उनमें भी। तो वॉलंटियर के साथ में एक चीज ऐसी है, आप कहीं पे भी करो, घर पे भी और जहां पे भी रह रहे हो, अगर कुछ भी कर रहे हो तो आपको उस वॉलंटियरिंग की तरीके से करोगे ना, विलिंगली करोगे उस चीज को, तो एक्सपीरियंस अच्छा वैसे ही हो जाता है। और जब आप वॉलंटियरिंग करो ओरोविल जैसी जगह पे तो आपका 100% एक्सपीरियंस कमाल का होने ही वाला है। और फिर यहाँ पे पूरी दुनिया से अलग अलग तरीके के लोग, आप उनके साथ काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो बॉन्ड बन रहा है, तो एक्सपीरियंस अच्छा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगली चीज जो आती है वो है खाना और फूड। इतना वैरायटी का खाना है, आप घर का खाना नहीं मिस करोगे। जो भी क्विजीन आप इमेजिन कर सकते हो, कोरियन, जैपनीज, कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन या फिर अमेरिकन, वो सारी क्विजीन और फूड यहाँ पे अवेलेबल है। और कितने सारे कैफे हैं और कितने सारे अच्छे अच्छे कैफे हैं वहाँ पे, बस खाने की तो आप बात ही मत करो। मैं सरप्राइज था वहाँ पे, तो मेरे को वीगन खाना था तो वीगन खाना मेरे को यहाँ पे अबंडेंस में मिला। और एक मस्त चीज जो इसको अलग बनाती है वो यहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, और उन फार्म हाउसेज जैसे बॉटनिकल गार्डन, सॉलिट्यूड फार्म, साधना फॉरेस्ट और बुद्धा गार्डन, वहां पे जो सारी चीजें हैं वो फ्रेश बनती है, वहीं गार्डन से सीधा आती हैं, वो आपके सामने सब कुछ बनता है और आपको ऑफर करते हैं प्लेट में। तो थाली सबसे पॉपुलर थी, वो खाना खाने के बाद में आपकी बॉडी आपको खुद बोलती है कि भाई हाँ कुछ अच्छा खाया गया है, और लिटरली आपको लाइट और एनर्जी ज्यादा फील होती है लथार्जिक फीलिंग के बजाय। तो एंड में मैं आपको यही कहूंगा कि खाने की तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिरी चीज जिसकी मैं आपके साथ बात करूंगा वो है मैत्री मंदिर, जो कि सबसे जरूरी चीज है ओरोविल में। मैंने इंटरनेट पे ओरोविल के बारे में पढ़ा था, उनकी वेबसाइट पे पढ़ा था, और जो मैत्री मंदिर है वो है सोल ओरोविल की। और आप आओगे तो वो आपको फील भी होगा, जिस डिवोशन से, जिस तरीके से वो इस मंदिर का ध्यान रखते हैं, बस देख के आनंद ही आ जाएगा आपको।
मंदिर के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा पार्क बना हुआ है जो कि बहुत दूर तक फैला हुआ है, और उस पार्क को आप देखोगे जो कि स्पॉटलेस क्लीन है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात की जो कि मैत्री मंदिर के अंदर गए, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा था। एक ने तो ये भी बोला कि जब वो अंदर गई तो उसको लगा जैसे कि वो अर्थ पे है ही नहीं, किसी और प्लेनेट पे आ गई या किसी स्पेसशिप में है, क्योंकि वहां पे अंदर तो इतनी क्लीनलीनेस थी, स्पॉटलेस क्लीन था और सब कुछ व्हाइट था। एक जरूरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे टूरिस्ट को पता नहीं है कि वो सोचते हैं कि आप मैत्री मंदिर के अंदर जा ही नहीं सकते, बाहर से सिर्फ पार्क ही देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप अंदर जा सकते हो। वो सिर्फ कोरोना के कारण उन्होंने उसका विजिट बहुत कम कर दिया था, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही जा सकते हो, और वो भी आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ती थी ऑनलाइन। पर अभी कोरोना टाइम चला गया है तो अब आप स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके भी जा सकते हो, पर अच्छा है कि आप ऑनलाइन करो क्योंकि स्पॉट रजिस्ट्रेशन बहुत बार फुल हो जाते हैं। तो और ये बहुत जरूरी है, आप ओरोविल आ रहे हो तो आप को अंदर जाके आना है एक बार। ये जो जगह है विजिटर सेंटर, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, खाने के बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफे हैं जहाँ पे। तो खत्म करने से पहले मैं मदर की लिखी हुई कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ता हूँ। Says it is like the force, the central force of Auroville, the cohesive force of Auroville. The Maitri Mandir will be the soul of Auroville. The sooner it is there, the better it will be for everybody and especially for Aurovillians. And let it not become a religion, for heaven's sake. Thank you for watching the video. See you in the next one.